दोस्तों आज का मेरा वीडियो पार्ट टू है, क्योंकि पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था और उस वीडियो के कुछ कमेंट का उत्तर दूंगा इस वीडियो में। साथ में मैं आपको और भी डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे आलू और प्याज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार दिए हैं उस पार्ट वन वीडियो को और अभी भी दे रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा व्यूज आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे हर एक एक पॉइंट्स को। बता दें कि इस वीडियो में हम 8 पॉइंट्स में पूरी डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों आलू और प्याज दो सदाबहार चलने वाली सब्जी है, क्योंकि आलू के साथ बहुत सी सब्जी मिक्स करके बनाई जा सकती है और प्याज के बिना कोई भी सब्जी नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए दोनों की अच्छी डिमांड है और आलू और प्याज की आवश्यकता हर घर के साथ साथ सभी रेस्टोरेंट और ढाबों को भी होती है। मौसम की परवाह किए बिना इन दोनों चीज़ों की मांग कभी कम नहीं होती है। यही कारण है कि यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आप बहुत कम लागत लगाकर लाभ के रूप में बहुत अच्छी राशि प्राप्त कर सकते हैं। आलू और प्याज के थोक व्यवसाय करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद छोटे व्यापारी और सब्जी विक्रेता ढाबा आदि आपके गोदाम से ही सामान लेते हैं। आलू और प्याज ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती है, इसलिए इसका बिजनेस करना बेहतर है। अगर आप आलू प्याज को स्टोर करके नहीं रख पाते हैं तो इसका भी सलूशन है। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी की रिप्लाई देने का पूरा प्रयत्न करूंगा और करता भी हूं। जो पहले से मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं मुझे। तो दोस्तों पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आलू और प्याज का होलसेल बिजनेस क्या है। किसी सब्जी मंडी या फिर हरियाणा के किसानों से खरीद कर रिटेल को बेचना आलू और प्याज का होलसेल बिजनेस कहलाता है। इसमें आलू और प्याज की पैकिंग करके भी बेची जा सकती है और उनको अपने ब्रांड के नाम से भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती और थोड़े से पैसे के अंदर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आलू और प्याज के होलसेल बिजनेस के प्रकार। दोस्तों बता दें कि आपको आलू और प्याज का बिजनेस दो प्रकार से आप कर सकते हैं। फर्स्ट, आलू और प्याज की खेती करके। यदि आप राजस्थान गुजरात के एरिया के अंदर रहते हैं तो आलू और प्याज की खेती कर सकते हैं। इसके अंदर अच्छी जमीन की जरूरत पड़ती है और इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है। सेकेंड, आलू और प्याज होलसेल बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर किसानों से आलू और प्याज खरीद कर उनकी सफाई करके रिटेल को बेची जाती है। थर्ड पॉइंट, आलू और प्याज के होलसेल बिजनेस के लिए जरूरी चीज़ें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन चीज़ की जरूरत बिजनेस के आकार पर निर्भर करती है। क्योंकि ये बिजनेस घर से शुरू करते हैं तो ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, और बिजनेस बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे में शॉप और गोडाउन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, साथ में कोई छोटा सा गाड़ी आपको चाहिए, 3-व्हीलर या 4-व्हीलर, और साथ में GST नंबर भी, इतने ही सामान की जरूरत पड़ेगी आपको। फोर्थ पॉइंट, आलू और प्याज के होलसेल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस के अंदर निवेश इस बिजनेस और ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यदि बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और बिजनेस छोटा घर से शुरू करते हैं तो उसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और खुद की ज़मीन है तो कम पैसों में काम चल सकता है, और यदि ज़मीन किराए पर लेते हैं या खरीदते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आलू और प्याज अराउंड आपका 10,000 से 15,000 में मिल जाएगा। शॉप एंड गोडाउन कास्ट 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये किराए पर भी आप ले सकते हैं। और बात करें गाड़ी साधन की तो अराउंड 2,00,000 से लेकर 3,00,000 रुपये इसको भी आप किराए पर ले सकते हैं। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप किराए पर दोनों सामान ले लेते हैं, यानी शॉप और गोडाउन को और साधन को अपने, तो आपका कम से कम 10,000 से 15,000 रुपये लगेगा यदि खुद की दुकान गोदाम और साधन है तो। फिफ्थ पॉइंट, आलू और प्याज के होलसेल बिजनेस के लिए ज़मीन। इसके अंदर ज़्यादा ज़मीन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर न ज़्यादा बड़ी दुकान बनानी पड़ती है और ना ही बहुत बड़ा गोडाउन बनाना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें, बड़े बजट पर आलू और प्याज का बिजनेस को करना चाहते हैं तो शहर के खास मार्केट में या इसके आसपास ऐसी जगहों पर जहां से लोगों का काफ़ी आना जाना होता है, ऐसी जगह पर शॉप खोलें जिससे आते जाते लोगों की निगाह दुकान पर पड़े और कस्टमर आसानी से आ सके और सामान खरीद सके। दोस्तों एक बात तो है कि अगर आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा अच्छे से बोलचाल करते हैं, मतलब कि आप अच्छे व्यवहार से बेचते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप तरक्की करने वाले हो। क्योंकि आप एक कहावत सुनी होगी कि कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, एवं मीठा बोलने वाले की कड़वी मिर्च भी बिक जाती है। अब जान लेते हैं कि कितना ज़मीन की जरूरत पड़ेगा आपको। शॉप 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक, गोडाउन की बात करें तो 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 स्क्वायर फीट तक। पॉइंट 6, आलू और प्याज का होलसेल बिजनेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे में पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं,
आईडी प्रूफ के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ के साथ राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक विथ पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। और बात करें बिजनेस डॉक्यूमेंट की तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बिजनेस पैन कार्ड और जीएसटी नंबर। दोस्तों अगर आप लोग जीएसटी नंबर नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप लोग हमें एक बार कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको अच्छी सी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट 7, आलू और प्याज होलसेल बिजनेस के लिए आलू और प्याज कहाँ से खरीदें। यदि आप आलू और प्याज का होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भारत में इसकी खेती हरियाणा और पंजाब में की जाती है। इन स्टेट से आलू और प्याज खरीद सकते हैं और अपने प्लांट में उनकी सफाई करके उनको रिटेल को बेच सकते हैं। यहाँ के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके आप आलू और प्याज खरीद सकते हैं। पॉइंट 8, आलू और प्याज का होलसेल बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन। इस बिजनेस के अंदर 30% से 40% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, तो इस हिसाब से इस बिजनेस के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यदि आपको सस्ते रेट में आलू और प्याज मिल जाए तो किसानों से सस्ते रेट में आलू और प्याज खरीदकर उनकी सफाई करके प्रति किलो के हिसाब से आप 20 से 40 रुपए कमा सकते हैं। और प्रतिदिन की बात करें तो आप रोजाना 4000 से 5000 रुपए, अगर आप एक अच्छे व्यापारी की तरह काम करते तो महीने का आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकारी? अगर अच्छा लगा हो ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट खुल के करें और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका हृदय से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।